एक पूर्ण मनुख जिसनों अपन संपूर्ण कह सकिए। पूर्ण मनुख का खाका चित्रिया गुरु नानक साहब ने भी पूर्ण मनुख कहो जहा होना चाहिए है। तो जो खाका गुरु नानक साहब ने चित्रिया ना वो बाकी नौ पातशाहियां ने आपो अपने रंग भरे ताकि ये मुकम्मल हो सके तस्वीर। हुण मुकम्मल बनाउण लई किसी एक चीज़ का भी घाट रह जाए ना तो वेखण वाला कह सकदा वी इहदे विच अजे कमी है, ये तस्वीर मुकम्मल नहीं। पर जिहदे विच नौ गुरु साहिबां ने आपो अपने रंग भरे होण ओह तस्वीर अधूरी किवें रह सकदी। वो खाका जिहड़ा गुरु नानक साहब ने चित्रिया उहदे विच पहला रंग गुरु अंगद साहब जी ने हुक्म मनण दा रंग भरिया। जे गुरु नानक साहब ने कहा भी मेरा कटोरा चिकड़ विच डिग पिया उसनूं कढ लिआओ ते कपड़िआं दी परवाह नहीं कीती, छाल मारी और हुक्म मनिया गुरु नानक साहब जी दा। और बेअंत साखियां आउंदियां जिथे गुरु अंगद साहब जी हुक्म मन के, और अखीर वो समा आया जदों इसे गुण नू धारण करदिआं होइआं गुरगद्दी ते विराजमान हो गए। हुक्म मनण दा रंग गुरु अंगद साहब जी ने इस तस्वीर विच भरिया, और इस तस्वीर विच अगला रंग भरिया गुरु अमरदास साहब जी ने सेवा दा। जिथे इस खालसे विच ना हुक्म मनण दी बिरती होवे उत्थे सेवा भी चाहिए है, नाल कोई कमी ना रह जाए। थां पर थां बेअंत साखियां आउंदियां ने गुरु अमरदास साहिब जी ने अणथक सेवा 72 साल की उम्र तो शुरू की। 72 साल की उम्र थोड़ी नहीं होंदी उस वेले सेवा करनी गुरु करनी। ओ रंग गुरु अमरदास साहिब जी की देन है। गुरु रामदास साहब जी ने इहदे विच रंग भरिया कि गुरु दा सिख दा घर भावें कच्ची मिट्टी दा होए पर उहदे अंदर दी भावना यह कहती है भी मैं गुरु दा घर जिहड़ा बनाउणा ना वह हीरे जवाहरातां नाल जड़दा। गुरु दा घर सोहणा होवे, पक्का होवे, मेरा घर भावें कच्ची मिट्टी दा होवे, यह जज्बा गुरु रामदास साहब जी दी देण है। अगला रंग गुरु अर्जन साहब जी ने भरिया ये बी किस तरह तत्ती तवी ते बह के शांत रहना है, एवें आफरे ना फिरे। तत्ती तवी ते बह के किवें शांत रहना है ये गुरु अर्जन साहब जी ने बख्शिश की। पर इस शांति को कोई बुझदिली ना समझ ले। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने इहदे विच क्रांति का रंग भरिया, जिथे शांति होवे उत्थे क्रांति भी चाहिए है नाल। गुरु का सिख कोई गलत काम हुंदा वेखदा होवे ते जरे ना, क्रांति भी नाल चाहिए है। सो क्रांति का रंग गुरु हरगोबिंद साहब जी दी देण है। सतवें पातशाह साहब श्री गुरु हर राय साहब जी ने इहदे विच रंग भरिया है सादगी का। गुरु के सिख कोल बेअंत धन दौलत होवे पर दिखावा ना होवे। किस तरह थां थां ते डिस्पेंसरियां गरीबां दी सेवा लई गुरु हर राय साहब जी ने बनवाईयां, और यह रंग गुरु हर राय साहब जी दी देन है। अज भी गुरु के सिख अंदर ऐसी भावना है कि जिथे लोड़ है उत्थे गुरु का सिख अगे हो के निपदा है। किसी नूं दुखी वेख के दुख महसूस ना करना, ये रंग नहीं। किसी नूं दुखी वेख के दुखी हो जाना और जतन ये करना, गुरु का सिख कदे ये भी कह सकता है पातशाह इहनूं ठीक कर दे, दा दुख मैनूं दे दे, ये रंग गुरु हरकृष्ण साहिब जी दी देन है। खालसे दे अंदर यह गुण भी है। सब कुछ होंदिया होया किस तरह
त्याग की मूर्ति बने रहना। गुरु होंदे होया किस तरह अपने आप को भोरे विच रखना, प्रगट ना होना। गुरु के सिख कोल भी अज बहुत कुछ है, पर गुरु का सिख प्रगटावा नहीं करता, दिखावा नहीं करता। सब कुछ होंदे होया किस तरह त्याग की मूर्ति बने रहना, ये रंग गुरु तेग बहादुर साहब जी की देन है। गुरु तेग बहादुर साहब जी तक ये तस्वीर जी है ना मुकम्मल हो चुकी। ये दया भी आ गई, ये हुक्म मनण का रंग भी आ गया, ये सेवा का रंग भी आ गया, ये शांति का रंग भी आ गया, क्रांति का रंग भी आ गया, दूजे का दुख अपने ते भी लैना वह भी रंग आ गया। गुरु तेग बहादुर साहब त्याग की मूर्त, सिख कोल सारा कुछ है पर दिखावा नहीं, सब कुछ है पर उसनु तुच्छ समझना, उसनु त्याग रखना, उसका त्याग रखना, यह रंग गुरु तेग बहादुर साहब जी देन है। पर जदों मुकम्मल हो जाए ना तस्वीर, और कोई तस्वीर बनाने वाला उन्हें फ्रेम ना करे तो उसकी उम्र बहुत ही लंबी नहीं होती। एक दिन, दो दिन, वो तो वो महीना, 15 दिन में वो तस्वीर टूट सकती है, पाट सकती है। उन्हें फ्रेम करना जरूरी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इस तस्वीर को फ्रेम किया है, अमृत छका के 5 रायतां दे के गुरु साहब ने खालसा को 5 रायतां दे के इस मुकम्मल तस्वीर को फ्रेम किया है। और इस फ्रेम की हुई तस्वीर को, फोटो को गुरबाणी के आसरे टंग दी और उसनों खिताब दिता कि आओ श्रवण करिए। खालसा खालसा मेरो कहीं
खालसा मात पिता सुखदाई खालसा मेरो मित्र सखाई खालसा मात पिता सुखदाई खालसा मात पिता सत्कारा